विष्णु भगवान जी की कथा। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था, जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से सुनता था। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारदस्य करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इस बीच नारद की मां सांप के डसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता ना था। उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े, जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। यूं सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद हो आई। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है, यूं निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देवमुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा? मेरी माताजी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। शयो कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार के गले लगकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माताजी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या ये साबित नहीं करना है कि मेरी माताजी भी महान है? इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंद मूल फल लाया करूंगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएंगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जाओ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छुओ मत, तुम्हारी वजह से ही बड़े भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी, मैं पापिन हूँ, मेरे ही कारण ये सब हुआ। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, ये सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए, आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा।
इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये श्रीमन नारायण का संकल्प है। शयो समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायणाय का मंत्र जापते तपस्या कर रहे थे। यमुनांदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र ये सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनके पद की कामना न कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्रायुध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित न हुए। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है, आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्रपद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे मूक रह गए। वे अपने मन में सोचने लगे, भगवान मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया। दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे स्तोत्र पाठ साम गान के रूप में ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। विष्णु ने मंदहास करते हुए पूछा, ध्रुव मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव भक्तिपूर्वक बोला, हे परम पुरुष, जैसे भौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा आपके मधुर मंदहास वाले मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो, इसके बाद तुम मेरे विश्वरूप का शिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। यो समझा कर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। इसीलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण अवतार कहा गया है। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मती पुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंप कर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वो शिकार खेलने गया। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो वहां पर पहुंची और जंगल के दावानल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्षगण अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपनी क्षुद्र मायाओं का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्ष राज कुबेर ध्रुव की शरण में आए, उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए, उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयंभू मनुवंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और वे बदरिकाश्रम में चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान ले आए। वे लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके भी चार चार हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरी माता जी के लिए जो पद प्राप्त नहीं है उसकी मुझे भी जरूरत नहीं। इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार हो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्तर्षि मंडल को पाकर ध्रुव पद पर पहुंचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु का निवास वैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देती में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूपिनी राधा देवी के साथ वेणु ज्ञान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु वैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्ज्वल कांति से द्युतिमान हो उठे।
खूंटे से बंधी गाय की भांति सप्तर्षि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करता है। समस्त ग्रह गणों से पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वलोक, भुवलोक, भूलोक नामक सात ऊर्ध्वलोक तथा भूलोक के नीचे अधोलोक कहलाने नाले अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक, ये सातों मिलाकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिवराग्र पर ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशासूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने जाने वाला ध्रुव है। शयो ध्रुव की कहानी समाप्त कर सूत महर्षि फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर तक का विकास हुआ। इसीलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए जो दशावतारों में दूसरा अवतार है। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कूर्म अवतार की कहानी शुरू की। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु की ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदर पर्वत को मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्से के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके ये काम संपन्न किया, इसीलिए वे गिरिधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर के छोर से पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान लें। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ के छोर को पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ।